नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं भारत 24/7 हर घर तिरंगा। तो जैसा कि मोदी जी का इस वक्त एक अभियान चल रहा है, एक मुहिम चल रहा है हर घर तिरंगा का, उन्होंने अनुरोध किया है या फिर एक मुहिम चलाया है कि हमारा हर घर तिरंगा का। तो जैसा कि आपको बता दें कि 15 अगस्त हमारे बहुत ही करीब है, परसों ही 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है, वो चाहे स्कूल में हो या फिर एक शॉप में हो, एक छोटे से छोटे शॉप में भी हो, तो वहां पे डेकोरेट कर दिया गया 15 अगस्त को लेकर। इस बार 15 अगस्त इसलिए भी खास है क्योंकि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस बार 15 अगस्त को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तिरंगा का यहाँ पर हमारी मौजूदगी इस वक्त है, यहाँ पर तिरंगा का शॉप है, यहाँ तिरंगा मिलता है। और हम इस शॉप में जानेंगे कि आखिर किस रेट में तिरंगा मिल रहा है इस बार, क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं इस बार और कितने ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं 15 अगस्त को लेकर। तो जैसा कि बता दें कि मोदी जी ने बोला था हर घर तिरंगा को लेकर, और उसका असर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे भी बहुत तेज़ी से इसका असर देखने को मिला था, जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पे अपना इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप पे हो, अपने डीपी हटाकर तिरंगे की डीपी लगाई थी। जैसा कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालकर बताया था, लोगों से अनुरोध किया था कि वो तिरंगे को लेकर सम्मान दिखाए, एकता दिखाए, अखंडता दिखाए। उसकी वजह से लोगों ने बहुत बहुत सारा इस चीज़ को लेकर बहुत जागरूक दिखे। लोग इंस्टाग्राम पे डीपी हटाकर, व्हाट्सएप पे डीपी हटाकर लोग तिरंगे की डीपी लगाए हुए हैं। और भी बहुत सारे घरों में हर घर तिरंगा के नाम पे बहुत सारे घरों में आप छत पे तिरंगा लहराता हुआ, फहराता हुआ देख सकते हैं। इस बार हर घर में, हर छोटे बड़े दुकान में, सब जगह इस बार फ्लैग होस्टिंग होगी। हर जगह ही 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो इस बार 15 अगस्त बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि अमृत महोत्सव मनाया जाएगा इस बार। तो आइए, यहाँ पे एक ये शॉप है, हम यहाँ पे शॉपकीपर से, दुकान के जो हैं ऑनर, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार क्या खास है, किस टाइप का, किस किस टाइप के, किस किस रेंज के तिरंगे मिल रहे हैं यहाँ। खादी ग्राम उद्योग संघ में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त इस बार बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश में। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि इस बार अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, और लोग अपना इसका असर भी देखने को मिल रहा है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी दुकानों में इसका असर देखने को मिल रहा है। तो आइए, यहाँ पे दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज पांडे जी। इस बार आपकी दुकान में क्या कुछ खास तैयारियाँ हैं 15 अगस्त को लेकर? 15 अगस्त अमृत महोत्सव के अवसर पर जो है कि खादी के कपड़े झंडे में बिक्री में जो है कि बढ़ोतरी हुई है जी, पिछले बार की अपेक्षा। लेकिन मार्केट में जो है कि भी खादी जो झंडा बिक रही है जी, उसका प्रभाव जो है कि खादी के झंडा पर जो है कि असर पड़ा है कि हमारे यहाँ 6-9 से लेकर के 48-72 साइज तक जो है झंडा उपलब्ध है। 6-9 का 15 रुपया से लेके 48-72 के झंडा जो है उसका 550 रुपया कीमत है। इस बीच में अभी मार्केट में डिमांड जो है 24-36, 30-45 और 36-54 के झंडा के जो है कि ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, वो उसमें कार्यालय में भी और घर में अपना ठीक है, घर पर लगाने के लिए अमृत महोत्सव में जो है कि मैंने ये साल बिक्री जो है कि ज़्यादा जो है कि हो रही है जी। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है कि हर घर में झंडा, हर घर तिरंगा, तिरंगा जो है कि होना चाहिए था, उसके अपेक्षा जो है कि खादी की जो झंडों में जो बिक्री होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। उसका मुख्य कारण है कि खादी के कपड़े जो है झंडा का खादी का रेट ज़्यादा जो है कि होती है, और हर घर में जो है तिरंगा लगाना है तो सब सामान्य लोग जो है कि बहुत निम्न खादी को, बहुत खादी को कम तजुर्बा देते हैं। हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि इसका असर पड़ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में वो शहरी क्षेत्र के लिए ठीक होगा, लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, यहाँ खादी की मैंने झंडा बहुत कम जो है कि वो बिक्रे पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है कि बिक्री बढ़ी है, बढ़ी है। हाँ, बिक्री बस कुछ है। खास नहीं है मगर बढ़ा है। हाँ, बड़ी, हाँ कुछ खास नहीं है लेकिन बढ़ा है। अच्छा, तो आपके पास जो ग्राहक पहुंच रहे हैं वो कैसे, कैसा ज्यादा मांग उनका, किस टाइप का? वो ज्यादा जो है कि मांग 18-27 और 24-36। अच्छा, 24-36 तीन दू का हो गया। तो यह झंडा का साइज तो देवरिया है, अगर जो है कि 1 फीट जो है कि लंबा चौड़ाई है तो 1.5 फीट लंबाई होगा। इस अपेक्षा जो है आप जो है कि देख लीजिए।
आप जो है कि देख लीजिए, ये 1827 का झंडा जो है कि है आपका। अच्छा। और ये आपका जो है कि झंडा 2436 का झंडा है। अच्छा, ये खादी में ऐसा क्या अलग रहता है, मतलब और सब झंडे से ये क्यों अलग होता है? ये खादी जो है हाथ से सूत करता है, हाथ से बुनाई होती है। टोटल इसका प्रोसेस जो है कि हाथ द्वारा ही किया जाता है, इस्तेमाल कम होता है, मशीन का इस्तेमाल नहीं है। एक देखिए आप, ये खासियत खादी के झंडे में ये देखिएगा कि ये जो अशोक स्तंभ जो है चक्र है जी। ये चक्र जो है कि जितना इसका साइज है 24, 36, 8, 8, 8 8 या 24 इंच उसका जो है कि ये जो सफेद का जो है कि है सादा कपड़े का जो है कि खादी में जो बनेगा तो ये हाथ द्वारा जो है कि ये छपाई होती है, हाथ से ही छपाई होती है, कोई मशीन द्वारा नहीं होती है। इसलिए इसका चक्र जो है कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर तो टोटल जो है कि आधा चाहे जिस साइज का आप झंडा देख रहे हैं तो जितना जो है कि सफ़ेद कपड़ा है वो हर में जो है कि, लेकिन मार्केट में जो आ रही है कपड़े का जो है तो चक्र है लेकिन सफ़ेद से जो है कि छोटा में जो है कि आ रहा है, ये पूरा जो है कि वो लेता नहीं है। और खादी हाथ से जो है कटा हुआ, हाथ से बुना होता है, इसलिए स्पेशल होता है, स्पेशल होता है। और खादी के कपड़े को ही जो है कि राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है। अच्छा, तो इस बार आपने कुछ खास तैयारियां क्या होगा 15 अगस्त को लेकर? हाँ, 15 अगस्त की जो है कि खास तैयारी, जितनी बिक्री होती थी उससे हम लोग ज्यादा बनवाए हैं। और सबसे महंगा झंडा जो है कि 4872 जो है कि है, आपको 4x6 फीट का, उससे बड़ा जो है कि झंडा नहीं जाएगी। 550 रुपया है, 550 का प्राइस हो लास्ट, सबसे हाईएस्ट रेट है, सबसे हाईएस्ट रेट है। अच्छा, और उसके बाद फिर उसके नीचे सब स्टार्ट होता है? उससे नीचे तो 6-9 जो है कि जो काल फ्लेक है बच्चा उच्चे के जो है करने के लिए 15 रुपया से लेके 550 रुपये तक झंडा जो है हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा इस बार खादी को लेकर भी कुछ खास तो नहीं बिक्री हो रही है इनकी, मगर फिर भी पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा झंडा है। आइए हम इनके रेट के बारे में और कितना मीटर का हम सब कुछ बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार झा है। अच्छा, ये कितने मीटर का हुआ? ये 4872 है। अच्छा, ये सबसे बड़ा है जी। और इसका रेट क्या होगा? इसका 520 रुपया। 520 रुपया। अच्छा, ये इसको बनाने में कितना मेहनत, कितना कुछ लगा, कैसे किया आपको? इसको इस झंडा को बनाने में बहुत मेहनत लगा। अच्छा। ये पहले इसका तो बहुत प्रोसेस है जी। और इसको सूत कटाता था, फिर जो हैंडमेड है, सबसे बड़ी बात है कि हैंडमेड है, हाथ से बना हुआ है जी। जैसे आप देख सकते हैं कि खादी का जो है, आजकल खादी का प्रचलन बहुत कम होता जा रहा है, लोग बहुत कम, ये संस्कृति का एक भाग है हमारा, खादी बहुत पुराना ही चला आ रहा है, मगर फिर भी आजकल लोग बहुत कम ही लेते हैं। मगर ये देखिए, हाथ से बना हुआ हैंडमेड है, जिसको आत्मनिर्भर भारत भी, जैसे मोदी जी ने बताया था, हमारा आत्मनिर्भर भारत के भी अंतर्गत आता है, ये हाथ से बुना हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने आपको तिरंगा दिखाया, यहाँ पे छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक, सबसे बड़े वाला का रेट उन्होंने बताया 550 रुपये है। और जैसा कि देख सकते हैं दुकानों में भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है, अच्छी संख्या में, अच्छी मात्रा में लोग इस बार तिरंगा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि 15 अगस्त इस बार बहुत ही धूमधाम, बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा, अमृत महोत्सव है इसीलिए। और ये भी मोदी जी का खास अनुरोध है या खास मुहिम चलाया है मोदी जी ने हर घर तिरंगा को लेकर, तो इस बार ज़्यादा लोग जागरूक हैं इस चीज़ को लेकर, ज़्यादा उत्साह के साथ ये त्यौहार इस बार एक त्यौहार की तरह 15 अगस्त मनाया जा रहा है। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा भाट, 24/7।